सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिव फोटोग्राफी स्टूडियो आइडियाज और सेटअप्स के बारे में। बहुत सारे जो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप हमारे साथ ये शेयर कीजिए कि अगर हमें अपना एक स्टूडियो बनाना हो, जो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो, तो किस तरह से हम उसे क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि जब भी हम अपना स्टूडियो बनाएं तो थोड़ा अच्छा सेटअप बन जाए और हम काफ़ी सारी क्रिएटिव फोटोग्राफी उसमें कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो सभी बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ करूँगा अपना थोड़ा सा स्टूडियो शेयर ताकि आपको भी उसके बारे में पता चले और आप भी जो है बिल्कुल जब भी अपना फोटोग्राफी स्टूडियो डालें तो थोड़ा बहुत आइडिया आप मेरे स्टूडियो से भी ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप थोड़ा यहाँ से भी आइडिया लेंगे अपने स्टूडियो को बनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरी स्टूडियो की जो है साइक्लोरामा वॉल। तो दोस्तों ये है साइक्लोरामा वॉल जो आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे। ये जो वॉल है ये मैंने स्टूडियो में बनाई थी ताकि मैं जो है अपने स्टूडियो में काफ़ी सारी क्रिएटिव फोटोग्राफी कर सकूं। ये जो वाइट वॉल देख रहे हैं दोस्तों इसे हम शॉर्ट में कहते हैं साइक वॉल भी, और ये करीब 12x15 फीट यानी कि 12 फीट जो है इसकी हाइट है दोस्तों और 15 फीट इसकी डेप्थ और विड्थ है। तो ये मैंने इसलिए बनाया था कि हम इसके ऊपर जो है म्यूज़िक वीडियो शूट कर सकें, इस पर हम इंटरव्यूज़ भी जो है शूट कर सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल जो आप देखते हैं वो भी मैं इसके ऊपर शूट करता हूँ, आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो वो सब इसी वॉल पे ही जो है हमने शूट किए हैं और अपने शूट्स में क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की है। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हमने लगाए हैं। इसके अलावा हमारे जो फोटो शूट्स होते हैं, ई कॉमर्स का काम होता है, वो भी हम इसी जो है वाइट वॉल पे ही करते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ वॉल होती है और आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसके जो नीचे कर्व्स हैं कॉर्नर पे, तो ये इस तरह से कर्व्स होते हैं इसमें। तो अगर यहाँ बीच में कोई खड़ा है तो आपको बिल्कुल जो लुक है इन्फिनिटी का दिखाई देगा, यानी कि बहुत बड़ी जगह दिखाई देती है अगर इसके बीच में हम किसी को खड़ा करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग अंडा जो होता है उसके बीच में खड़ा कर दूँ और ऊपर से अंडे की जो है छत को तोड़ दूँ तो आपको एकदम बिल्कुल इन्फिनिटी जैसा लुक का फील होगा। तो वही फील जो है इस साइक वॉल पर आता है। तो अगर आप अपने स्टूडियो बना रहे हैं तो अगर आपके पास इतनी बड़ी जगह नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी बड़ी वॉल बनानी है, आप एक छोटी वॉल भी बना सकते हैं या छोटा सा वाइट बैकड्रॉप पूरा आप अपने स्टूडियो में खड़ा कर सकते हैं जिससे आप हर तरह के जो है अपने क्रिएटिव शूट्स आप कर पाएँ। और ये जो वॉल है दोस्तों ये काफ़ी काम आती है जब भी हम कोई भी फोटोशूट करते हैं, चाहे वो स्टिल फोटोग्राफी हो या फिर कोई भी वीडियोग्राफी हो, तो वहाँ हर केस में जो है ये हमें एक बहुत ही सपोर्ट करती है अपने फोटोग्राफी वर्क फ्लो के अंदर। अब दोस्तों ये है हमारी जो है सेकंड शूटिंग फ्लोर स्टूडियो में जो कि हमने बनाई है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं पीछे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड टंगा हुआ है। तो इस बैकग्राउंड को जो है मैंने पूरा टांगा है, एक पूरा आप देख रहे हैं 3 हुक ऊपर लगे हुए हैं, उसके ऊपर हमने एक रॉड स्टील के अंदर डाली हुई बीच में और वहाँ पर इसे लटकाया हुआ है ताकि जब भी हम इस तरह के कलर्ड बैकग्राउंड्स यूज़ करते हैं, सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स कहा जाता है इन्हें, जब भी आप सीमलेस पेपर बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो ये आपकी फोटोग्राफी की क्रिएटिविटी को जो है एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। चाहे आप कोई एडिटोरियल वर्क कर रहे हो, फैशन फोटोग्राफी का काम कर रहे हो, या आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी शूट कर रहे हो, या फिर आप पोर्टफोलियो किसी का बना रहे हो, या फिर आप किसी का क्लोदिंग जो है लुकबुक आप उसकी क्रिएट कर रहे हो, तो हर तरह से जो है इस तरह के क्रिएटिव जो बैकग्राउंड्स होते हैं कलर वो काफ़ी काम आते हैं आपके स्टूडियो सेटअप में। तो अगर आप अपना स्टूडियो डाल रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस तरह के सीमलेस पेपर बैकड्रॉप्स आपको ज़रूर खरीदने चाहिए जिससे कि आपको थोड़ा आपकी फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी आ सके। तो ये एक छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, जब आप स्टूडियो बनाया था तो मैंने सोचा इस पर आपके साथ शेयर करूँ और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिले। फिर जैसे भी आप अपने बजट के हिसाब से कलर बैक रोल्स हैं वो आप खरीद सकते हो, हर तरह की रेंज में आपको ये मिल जाते हैं और ये ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं दोस्तों, 4,500 से लेकर 6,500-7,000 में डिपेंडिंग ऑन द कलर वो आपको मिल जाते हैं। तो आप छोटे छोटे आइडियाज़ लगाइए अपने स्टूडियो को बनाते वक्त। उसी तरह मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि क्लॉथ बैकग्राउंड भी आता है, वो भी काफ़ी सस्ता मिलता है, वो भी आप लगा सकते हैं और उस तरह का भी आप जो है बहुत ही कम कीमत में एक स्टूडियो अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों स्टूडियो के अंदर जो है आप कोई भी सेटअप डाल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, लाइट स्टैंड सब लोग खरीदते हैं लेकिन उसके अलावा आपके पास में होना चाहिए एक अच्छा बूम स्टैंड जो आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये एक बूम स्टैंड है दोस्तों। इस बूम स्टैंड का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप इस पर जो भी अपनी लाइट्स लगा रहे हैं, आपके पास जो भी स्ट्रोब्स लाइट है वो आप इस पर लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप डिफरेंट जो है लाइट शेपिंग टूल्स जो आपको अच्छी क्रिएटिविटी देते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट एंगल्स आपको मिलते हैं लगाने के लिए, अलग अलग तरीके से जो है आप
बूम स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फिर 90 डिग्री पे आपको लगाना हो या फिर आपको लाइट लगानी हो 180 डिग्री पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलती है एक क्रिएटिव सेटअप क्रिएट करने के लिए। अगर आप अपने स्टूडियो को जो है थोड़ा और क्रिएटिव, थोड़ा इनोवेटिव बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको ख़रीदने चाहिए एक अच्छे लाइट शेपिंग टूल्स। और ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है एक जूम रिफ्लेक्टर, जो आपकी लाइट को जूम इन जूम आउट करने के काम आता है। इससे आप जो है अलग अलग लाइट शेप कर सकते हो अपने स्टूडियो में ही। इसी तरह दोस्तों ये है एक ब्यूटी डिश, आप देख पा रहे हो, तो ये है वाइट रिफ्लेक्टर ब्यूटी डिश, यानी कि स्पेशली जब हम पोर्ट्रेट या ब्यूटी फोटोग्राफी करते हैं या फिर हम कोई भी एक फैशन फोटोग्राफी का असाइनमेंट करते हैं, तो वहाँ पे ये ब्यूटी डिश जो है बहुत ही काम आती है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है एक 5 फीट ऑक्टा, तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर काफ़ी बड़ा ऑक्टा है, तो जब भी हम 3/4 या फुल लेंथ इमेजेस लेते हैं तो ये 5 फीट ऑक्टा बहुत अच्छे से काम आता है, लाइट को डिफ्यूज़ करने के काम आता है, जिससे कि हम अपनी मॉडल का जो है स्किन काफ़ी स्मूथ दिखा पाते हैं। और उसके अलावा इसके काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं, चाहे वो ई कॉमर्स फोटोग्राफी हो या पोर्टफोलियो शूट हो, हर जगह जो है ये ऑक्टा काम आता है, लाइट को शेप करने के भी और जो है काफ़ी लाइट को डिफ्यूज़ करने के भी। उसके अलावा दोस्तों एक और ये पैराबोलिक आप सॉफ्ट बॉक्स देख रहे हैं, सो ये भी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट एक लाइट शेपिंग टूल है। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि लोग बाग अपने स्टूडियो में जो है बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि कैमरा लेंस के बाद लाइट्स खरीद लेते हैं, लेकिन अच्छे लाइट शेपिंग टूल्स में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप एक क्रिएटिव फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो तो इन चीज़ों में भी आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट हो, आपके स्टूडियो में तरह तरह के जो है क्रिएटिव लाइट शेपिंग टूल्स होंगे, तो आपकी इमेजेस भी जो है काफ़ी क्रिएटिव होगी और वहाँ पे जो है आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि आप अलग अलग तरीके से लाइट को अलग अलग शेप कर पाते हो। तो दोस्तों अब जिस हिस्से में बैठा हूँ मैं, इसे कहते हैं हम बेसिकली हमारा मेकअप एरिया, यहाँ आप देख पा रहे हैं, और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ ज़्यादातर जो है मॉडल्स बैठते हैं जब वो अपना मेकअप कराते हैं। तो ये जब भी अपना स्टूडियो आप बनाएं, और ये आपको छोटे छोटे जो है स्टूडियो सेटअप्स के आइडिया आपको अपने दिमाग से लगाने पड़ेंगे, जो भी स्पेस अवेलेबल हो वहाँ पर आपके स्टूडियो में एक मेकअप की छोटी सी स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो जगह हमने डाली है, यहाँ मॉडल्स या मेकअप आर्टिस्ट जो अपना सामान लेके आते हैं, अपने एक्सेसरीज, अपने इक्विपमेंट्स, वो सब यहाँ रख सकते हैं, और कम्फर्टेबल मैनर में जो है मेल मॉडल हो फीमेल मॉडल हो उनका मेकअप अच्छे से हो पाता है, जिससे उनको रेडी होने में काफ़ी आसानी होती है। उसके अलावा आप देख रहे हो ये आपको हिस्सा छोटा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये है हमारा चेंजिंग रूम दोस्तों, ये देखिए मैं इधर खोल देता हूँ हल्का सा। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं दोस्तों ये है अंदर जाके, यहाँ पर मॉडल्स जो है अपने कपड़े जो भी लाते हैं या हम किसी डिज़ाइनर का शूट करें तो यहाँ पर वो लोग अपने ट्रायल कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। तो जब आप अपना स्टूडियो डालें तो ये आइडियाज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि आपके पास में एक मेकअप का एरिया हो और एक आपका जो है चेंजिंग रूम हो, जहाँ पर मॉडल्स अपने कंफर्टेबली अपने क्लोथिंग को जो है ट्रायल कर सकें, चेंज कर सकें। उसके अलावा नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ सेक्शंस बनाए हैं, यहाँ पर आप अपनी लाइट्स, आपकी एक्सेसरीज़ या आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं स्टूडियो की, वायर्स हो गए, केबल्स हो गए या छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब आप इसमें रख सकते हो। तो दोस्तों अब इस हिस्से के अंदर आप देख रहे हो ये आप हमने एक रैक पूरा बनाया है, क्रिएट किया है, जहाँ पे जो है मॉडल्स अपने जो भी उनके आउटफिट्स होते हैं वो यहाँ हैंगर्स पे डाल सकते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है उसके लिए भी काम थोड़ा इजी रहता है, उसे पता चल जाता है कौन कौन से कपड़े जो है शूटिंग के वक्त यूज़ होने वाले हैं। तो जब आप अपना स्टूडियो बनाएं तो इस आइडिया को भी दिमाग में रखें कि भाई इस तरह से हमारे पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ हम कपड़े जो है अच्छे से मॉडल्स के रख सकें। और यहाँ आप देख रहे हैं ये है आयरन टेबल, कई बार जब मॉडल्स आते हैं तो वो अपने सूटकेस में या अपने ब्रीफकेस में या अपने बैग्स में कपड़े भर के ले आते हैं और वहाँ पर बहुत रिंकल्स और बिल्कुल अनटाइडी होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फैसिलिटी ये भी दी है कि भाई आप जब आएँ तो यहाँ आयरन कर सकें अच्छे से अपने क्लोथ्स को, अगर वो ठीक से प्रेस नहीं है। तो ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जब आप पिक्चर शूट करते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है कई बार दिखने लगती हैं, तो कपड़े अगर अच्छे से प्रेस होंगे तो इमेज भी आपकी अच्छे से नज़र आएगी। तो दोस्तों अब जो नई चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है ये हमारा वर्क स्टेशन, और जब भी आप स्टूडियो बनाएं तो इस वर्क स्टेशन का भी आइडिया आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें। और ये टेबल हमने काफ़ी क्रिएटिवली जो है कस्टमाइज, मतलब बिल्कुल उसको बनवाया है, आप नीचे देख पा रहे हैं इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, और व्हील्स इसलिए लगाए इसमें कि जब हम स्टूडियो में काम करते हैं तो उस अपने वर्क स्टेशन को कहीं भी मूव कर सकें इस तरह से आगे पीछे। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ऊपर इसके, ये काम आती है हमें अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप को रखने के लिए, और यहाँ पर आप कैमरा लेंस, कंप्यूटर, अपना हार्ड डिस्क, ग्रे कार्ड्स, केबल्स, जो जो आपके एक्सेसरीज होती हैं शूट करते वक्त, वो सब आप यहाँ रख सकते हो।
और जो नीचे का सेक्शन आप देख रहे हो ये, यहाँ पर आप जो है अपने कैमरा के बैक को या आपकी और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, या आपकी वाटर बॉटल है, कॉफ़ी का मग है, वो आप नीचे रख सकते हो, जिससे कि आप जब काम करते हो स्टूडियो के अंदर, वहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल जो है आपका फील होना बहुत ज़रूरी है, आपकी चीज़ें जो है सिक्योरली अपनी जगह प्लेस रहती हैं। तो ये वर्क स्टेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक फोटोग्राफी स्टूडियो के अंदर, और इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप अपना स्टूडियो बनाएं। अब ये जो है दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये है मेरा ऑफिस। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऑफिस बना लिया है स्टूडियो में। तो जब भी आप अपना अगर कोई फोटोग्राफी स्टूडियो बनाएं, तो ध्यान रखें कि एक छोटी सी जगह ज़रूर रखें जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स के साथ बैठ के आपकी मीटिंग्स कर सकते हो, जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हो उसको डिस्कस कर सकते हो। तो ये मैंने छोटा सा ऑफिस बनाया, जगह जो थी मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ पर करीब 5-6 लोग बैठ पाते हैं और बस काम हो जाता है, मीटिंग हो जाती है। तो छोटा सा ऑफिस बना लिया है, जब शूट नहीं होता है तो यहाँ बैठ के हम सारा अपना डिस्कशन कर लेते हैं और जो भी हमें काम करना होता है। तो ये एक ऑफिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने फोटोग्राफी स्टूडियो में। और आप जब भी जो भी जगह है आपके पास में, बस आप उसको क्रिएटिवली डिज़ाइन कीजिए, आइडियाज़ के साथ में कुछ ना कुछ उसमें डालिए अपने स्टूडियो में, जिससे कि आप अच्छे से जो है अपने स्टूडियो के अंदर फोटोग्राफी कर सकें। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा पेंट्री एरिया। यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा सा हमने एक फ्रिज रखा है, जहाँ पे हम जो है पानी वानी जो है ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खाना वाना है वो सब हम स्टोर कर सकते हैं इसमें। छोटा एक म्यूज़िक सिस्टम है यहाँ पे, ताकि थोड़ा माहौल अच्छा रहे शूटिंग के वक्त। और उसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हो ये पूरा जो है पेंट्री का एरिया है, जहाँ पे हम ने छोटा सा एक ओवन रखा हुआ है इधर। और उसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पे खाने पीने की थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती हैं। और जब थक जाते हैं दोस्तों काम करके बहुत ज़्यादा, तो फिर आप जानते हो कि शूट के वक्त काफ़ी लंबे लंबे शूट चलते हैं 8 to 10 आवर्स के, तो बस आपको ज़रूरत पड़ती है गर्मा गर्म चाय की, जो इस वक्त मैं पी रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो दोस्तों बस यही वीडियो बनाया था आप लोगों के साथ, शेयर किया था कि मैं अपनी चीज़ें, अपने जो मेरा स्टूडियो सेटअप के आइडियाज़ हैं, या जो स्टूडियो सेटअप हमने बनाया है, किस तरह से क्रिएट किया है क्रिएटिवली, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक करो दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।